सब्सक्राइब कीजिए AKS टेक्निकल सेंटर को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले बेल आइकन बटन को दबाएं। हेलो गाइस, AKS टेक्निकल सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेना है एप्लीकेशन या गूगल क्रोम में। करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिल जाता है। आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हो या डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आप डीएक्टिवेट अकाउंट करना चाहते हो कुछ दिन के लिए तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आप अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सेकंड ऑप्शन चॉइस कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आपको किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। आपको सीधा डायरेक्ट कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। गाइस, आपको उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखिए, आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। जिस अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हो उसका जो पासवर्ड है, आपको यहाँ पासवर्ड टाइप कर लेना है ना। तो चलिए हम पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको कंफर्म करना होता है डिलीट अकाउंट पर क्लिक करके। यदि आप डिलीट करना चाहते हो अकाउंट तो आपको 30 दिन के अंदर लॉगिन नहीं करना होता। यदि आप लॉगिन कर लेते हो अकाउंट को तो आपका अकाउंट होता है वो रिकवर हो जाता है, फिर वो आपका डिलीट नहीं हो पाएगा। यदि 30 दिन के बाद वो आप अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो वो अकाउंट आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, ना ही रिकवर हो पाएगा। यहाँ आपका एक नोटिस आ रहा होगा, आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है ना। यहाँ 30 दिन लिखा हुआ, यदि 30 दिन के बाद लॉगिन करना चाहोगे तो लॉगिन भी नहीं हो पाएगा, ना ही अकाउंट ये रिकवर हो पाएगा। तो एक बार सोच समझ के ही अकाउंट डिलीट करना है। तो चलिए हम डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यदि हमें अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है तो हम डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अकाउंट डिलीट हो गया है। यहाँ आपको नोटिस भी आ गया, यदि 30 दिन के अंदर आप अकाउंट लॉगिन कर लोगे तो जो आपका अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। यदि आप 30 दिन के बाद आप अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो वो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिलीट हो चुका होता है ना गाइस। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।